तो हर किसी के पास कोई ना कोई डाक या कुछ भी कोई फोन मैसेज आते ही है व्हाट्सएप पे आगे या जैसे ऑफिस से, तो कई बार है ना उस चीज को हम बड़ा बर्डन में ले लेते हैं कि मेरे पास ये डाक आ गई वो आ गई। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा चाहे कुछ भी डाक आए कोई फोन आए उसको इतना ज्यादा यूं ना ले कि इससे हमारा पता नहीं कोई दिनचर्या में फर्क ज्यादा पड़ेगा, उसी को पॉजिटिव ले रख ले। कोई भी डाक आती है रिपोर्ट सबसे पहले अपना रिपोर्ट मेंटेन जरूर रखिए, कितने बच्चे खासकर ये डाक आती है हमारे पास कितने बच्चे हैं किस क्लास में पहली में कितने एडमिशन हुए कितने नाम कट गए, खासकर ड्रॉप आउट की चलती है सारा अपने ऑफिस से। डीएससी से हमारे पास ज्यादा डायरेक्ट नहीं आता, DW तक ही हमारा काम है, वहीं से आती है हमारे पास कोई भी आ गई मिड डे मील की आ गई। तो रिपोर्ट अगर हमारा स्कूल का रिपोर्ट ठीक है तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ रजिस्टर उठाया डाक बनाई दे। पहली बात तो ये है कि अपने रिपोर्ट ठीक हो तो मेरे हिसाब से प्रशासनिक कार्य में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा मान लो अभी ड्यूटियां आ गई DLO ड्यूटी आ गई में कमियां रही है, ऑर्डर भी आते रहते, जब हम पढ़ते थे तब भी यही था कि ये हो गया ऐसे आदेश आ गए। तो प्रशासनिक कार्य हमेशा सरकार आपको ऑर्डर देगी और वो फॉलो करना एक कर्मचारी होने के नाते हमारा फर्ज है, उस पर नजर है कि हमारे पास ये समस्या की प्रशासनिक कार्य है रिपोर्ट प्यार रखना ही रखना पड़ेगा, इस चीज को चाहे प्यार से माने नहीं तो फिर सरकार पॉलिसी तो करवाती ही है ABR CBRP वगैरह जो लगा रखे ऊपर वो कड़ी का काम वैसे लगाए तो वो कड़ी का काम करने के लिए, लेकिन कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं समय पर डाक नहीं पहुंच पाती। तो वो हमारा रिपोर्ट चाहूंगा मैं कब आपको ये बात कहना कि रिपोर्ट ठीक है तो प्रशासनिक कार्य के कोई भी बर्डन स्कूल में आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सर। माय टॉपिक इज दूर से स्कूल आना। तो सर अगर हम दूर से स्कूल आ रहे हैं तो मे बी 5 मिनट बस लेट हो सकती है या कुछ और वेदर खराब है या कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है सर कि अगर हम 5 मिनट लेट हो रहे हैं तो उसमें हमारी गलती है। सर अभी तो चलो मेरा स्कूल पास में है, पहले मतलब मेरा स्कूल मतलब थोड़ा दूर था और लिंक रोड पे था तो लिफ्ट लेके जानी पड़ती थी, तो कई बार गर्मियों में पैदल भी चलना पड़ता था 2 किलोमीटर, अगर बाई चांस कोई लिफ्ट मिल गई तो हम पहुँच जाते थे स्कूल टाइम से, नहीं तो सर हमें फिर पैदल धक्के खा के जाना पड़ता था तो 5-10 मिनट ऑटोमेटिकली लेट हो जाता था। तो सर दैट्स नॉट आवर फॉल्ट, तो सर इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते सर, या तो हमें बस लगवा दे तो हम पूरे टाइम से। टाइम से 5 मिनट पहले जाना और छुट्टी के 5 मिनट बाद तक रहना, ये फिलॉसफी डाल ली। बाकी स्कूल में जो कुछ हो रहा है वो होते रहना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। हेड टीचर के साथ काम करने का सबसे पहले, वैसे तो मैं इंचार्ज भी हूँ स्कूल का, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपका स्टाफ में हेल्दी माहौल को मैं वो कहता हूँ कि वो होना चाहिए स्टाफ के, चाहे आप 2 हो या 3 हो। मैंने तो अपने यहाँ ये रखा हुआ कि मैडम को जैसे कंप्यूटर का और वो सारा काम जो भी है ऑनलाइन का वो अपने पास रखा हुआ है, बाकी सारा काम मैडम लिखने का है डाक का वो सारा मैडम कर देते हैं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आगे भी मैं शायद यही मेरे को लगता है कि अगर आपका सबसे फर्स्ट तो यही है कि आप अगर ऑपरेशन में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर स्कूल का अपना अपना माहौल है, उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा तो यही है सुझाव इसके लिए कि आपका स्टाफ की ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा हो। जी बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं विनोद कुमार GPS डबलपुर से। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कम शिक्षक। कम शिक्षक की जो प्रॉब्लम है वो आप सबको पता है कि काफ़ी जूझने वाली है, हर स्कूल में ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से है। GPS डबलपुर में तो फिर भी 2 टीचर हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल मेरे CRC में भी ऐसे हैं जिनमें सिंगल टीचर है। एक बात और होती है कि सुझाव देने का अलग बात होती है, लेकिन जिन जिस इंसान के सिर पर पड़ती है उस इंसान को पता होता है। मेरे स्कूल में तो 2 स्टाफ है फिर भी प्रॉब्लम कम होगी, लेकिन फिर भी सिंगल टीचर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक मेंटली बना लेते हैं, हमने माइंड सेट कर लिया कि एक सिंगल टीचर हूँ क्या करूँ, सिंगल टीचर हूँ क्या करूँ। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ कि फील मत करना कोई भी, एक सुझाव देना अलग बात होती है लेकिन उस पर काम करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम मेंटली बना ली पहले ही तो फिर उस पर हम काम नहीं कर पाए। इसके लिए जितना हो पाए जैसे अभी प्रकाश जी ने बताया था हमें कि इंसान के हाथ में काम करें, जितना हो पाए उतना कीजिए, जितना हमारी बस की बात है उतना कीजिए,
बाकी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, हम अपनी कोशिश में पीछे नहीं जाते। उसके बाद जो होता है वो होता रहेगा, हम अपनी कोशिश में पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा अगर शिक्षक की कमी है तो इस तरह से हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे फोर्थ के बच्चे हैं, कॉमन टॉपिक्स है, ग्रामर है, तो उनको हम दोनों क्लासेस को ऐड करके, फर्स्ट सेकेंड को ऐड करके इस तरह से भी अपना काम चला सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।